हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म जो है इसके अंदर जो भारवेल टेस्ट है उसके बारे में आज का क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इससे पहले का क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारबल टेस्ट ऑफ़ इंटेलिजेंस के बारे में भारबल टेस्ट आर कॉम्पेटिवली ओल्डर देन अदर काइंड ऑफ टेस्ट भारबल टेस्ट जो है जितना भी टेस्ट है वो सभी से ओल्डर है इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ़ इंडिविजुअल थाट जजमेंट ऑब्जर्वेशन रीजनिंग कॉम्पेटिजन एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विच फाइंड एक्सप्रेशन इन भारबल एंड स्पोकन रेस्पॉन्स जो कि जिसके माध्यम से फाइंड आउट किया जा सकता है भारबल और स्पोकन रेस्पॉन्स को इन दिस टेस्ट द सब्जेक्ट मेक्स यूज ऑफ लैंग्वेज इसके अंदर सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज का यूज करता है इंस्ट्रक्शन आर गिवेन इन वर्ड्स रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो है रिटर्न के अंदर औरल के अंदर या दोनों के अंदर दिया जा सकता है द टेस्ट आर रिक्वायर टू यूज लैंग्वेज भारवेल और रिटर्न फॉर दियर रिस्पॉन्सिस यानी इस टेस्ट के अंदर लैंग्वेज का यूज करना होगा चाहे भारवल हो सकता है चाहे रिटर्न हो सकता है रेस्पॉन्स के लिए दास द कॉन्टेंट इज़ लोडेड विध वेराइटीज़ ऑफ भारबल मटीरियल सचेज यानी यहाँ कॉन्टेंट जो है अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ मटेरियल से लोडेड होता है जैसे कि वोकबलरी टेस्ट से मेमोरी टेस्ट से कॉम्प्रीहशन टेस्ट इंफॉर्मेशन टेस्ट एसोसिएसन टेस्ट या रीजनिंग टेस्ट से जो है लोडेड हो सकता है तो आइए सबसे पहले वोक्यबलिटी टेस्ट के अंदर क्या हो सकता है इन दिस टेस्ट द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू गिव द मीनिंग ऑफ वर्ड और फ्रेजेस इसके अंदर सब्जेक्ट को मीनिंग वर्ड या फ्रेजेस को देना होता है नेक्स्ट है मेमोरी टेस्ट दिस आर डिजाइन टू टेस्ट द सब्जेक्ट्स इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इंक्लूड रिकॉल एंड रिकॉग्निशन टाइप ऑफ आइटम्स नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट द सब्जेक्ट इज टेस्टेड फॉर द एबिलिटी ऑफ़ ग्रेप्स अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट टू ए गिवन सिचुएशन इन्फॉर्मेशन टेस्ट के अंदर इन दिस टेस्ट द सबजेक्ट नॉलेज अबाउट द थिंग्स अराउंड इज टेस्टेड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है थ्रू दिस टेस्ट आइटम्स द सब्जेक्ट इज टेस्टेड फॉर हिज एबिलिटी टू पॉइंट आउट सिमिलरिटी एंड डिसिमिलेरिटी बिटवीन टू और मोर कॉन्सेप्ट नेक्स्ट रिजनिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है इन दिस टेस्ट द सबजेक्ट इज आक्स टू प्रोवाइड एंसर्स विच डेमोस्ट्रेट हिज एबिलिटी टू रीजनिंग टू रीजनस लॉजिकली एनालिटिकली इंडक्टिवली और डिडक्टिवली भरबल टेस्ट में में भी इंडिविजुअल और ग्रुप भरबल टेस्ट जो है इंडिविजुअल भी हो सकता है ग्रुप भी हो सकता है स्पोकन या रिटर्न भी हो सकता है बट दे मेन करेक्टरिस्टिक्स इज़ डेट दे आर लिंग्विस्टिक लेकिन भरबल टेस्ट का मेन करेक्टरिस्टिक्स ए है कि वो जो है लैंग्विस्टिक होगा बीनेट साइमोन टेस्ट एंड इट्स रिविजन आर एग्जाम्पल ऑफ भरबल टेस्ट बीनेट साइम टेस्ट या जो रिविजन भर्सन हुआ उसके बाद जो है वो सभी जो है एग्जाम्पल होगा भरवल टेस्ट का तो ये था आज का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस किए भारवल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे का टॉपिक को डिस्कस करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर थैंक यू